करेक्टर जो है उसको रीअसेस करने की ज़रूरत पेश आती है आप रियलाइज़ करते हैं दिस समथिंग आई नीड टू मैनेज माई सेल्फ बेटर देन द प्रीवियस गेम्स जो पीछे हो चुका है और टीम के जो यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट है जो गलतियां हुई हैं वो एक्सेप्ट की जाएं अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते लाइफ में आप ये नहीं मानते कि जो हो रहा है उसकी उसकी वजूहत में एक वजह मैं भी हूँ तो आप लर्न नहीं करते आई थिंक दिस इज़ समथिंग शाहीन के लर्निंग फेज़ के लिए एज ए कैप्टन बहुत ज़रूरी चीज़ लाइक इन इन अ वे राइट आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स से पॉजिटिव थिंग बट इट विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड कि कामयाबी में आपने कैसे लेके चलना होता है एज ए कैप्टन जब चीज़ें सब चीज़ें बड़ी आसान लग रही होती हैं और सीजल चल रही होती हैं और ऐसे हालात में कि जब उनके पास बेस्ट कंबिनेशन मौजूद थे लेकिन वो अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सके और अपने टैलेंट को राइटली जो है एड्रेस नहीं कर सके आई थिंक दैट इज़ अ लर्निंग फेज़ फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द लाहौर कलंदर

और द काइंड ऑफ फॉर्म साहबजादा फरान डोमेस्टिक में रन करते हुए यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली आए हैं पहली दफ़ा पूरा रन मिला और जब द वे ही परफॉर्म्ड एंड देन वंद्रदूसन हमने जो वो सौ वाला जो मैच हुआ है और जो एंड तक ले के गए हैं अकेले ही इज़ जस्ट स्कोरिंग बल्क ऑफ द रन मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स की सारी बैटिंग एक, एक तरफ कर दें और वंद्रदूसन के रन जो हैं वो एक तरफ कर दें या साहबजादा के मेनली इन्होंने रन्स किए हैं